بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم فكفايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم أيمان والو हम लोग सूरह माईदा की आयत नंबर 7 में हैं। फरमाया क्या ईमान वालों, आज के दर्स में 2-3 नहायत अहम बातें जो हालात हाजरा के लिहाज से हैं बयान की गई हैं। एक तो बड़ी जिम्मेदाराना आयत है, फरमाया ईमान वालों कुनू कवामीना लिल्लाही शुहदा बिल्किस्त। बहुत मुश्किल मसला है ईमान वालों, खड़े हो जाओ मजबूती के साथ अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए। कहाँ हो, कौन खड़े होगा, क्या फरमा रहे हैं ईमान वालों, मजबूती के साथ देखिए आप अदल की इंसाफ की गवाही देना है तो फरमा रहे मजबूती के साथ, इसलिए कि इंसाफ की गवाही देना कोई मामूली बात नहीं। मजबूती के साथ खड़े हो जाओ गवाही देने वाले इंसाफ की। कई चीजें आ गई उसमें, एक तो एक कोई कत्ल हमने देख लिया है, गवाही देना उस कि गवाही देना है कि ये फलमाए ने फला को कत्ल करते हुए देखा है, कौन देता। उसी लिए अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे कि मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, इसलिए कि अगर आप गवाही नहीं देंगे और कातिल छूट जाएगा तो कत्ल बढ़ेगा। ये हाल हाल में इसराइल ने क्या बात कही, इसराइल ने कहा कि वो जो कस्साब को फांसी दी गई तो उस मौके पर उसने कहा कि कत्ल की सजा दुनिया से खत्म कर देना चाहिए, इंतहाई शरंगेजी की बात है, कत्ल की सजा खत्म कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक तो ये कि उनका पहला वार इस्लाम है कि इस्लाम में कत्ल की सजा कत्ल है, तो पूरी दुनिया से मुतालबा उन्होंने किया कि कत्ल की सजा खत्म कर देना चाहिए, मतलब इस्लाम का जो किसास का जो निजाम है वो सही नहीं है,
एक बात यह हो गई। दूसरा यह है कि अगर इस कायदे पे अमल हो जाए कि कातिल को कत्ल न किया जाए तो फिर कत्ल आम हो जाएगा दुनिया में, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा उसको जेल हो जाएगी कातिल को, और जेल में सियासी तौर पर इंकलाबात आते रहते हैं, सियासी चीजें चलती है, पीछे से निकल जाए तो नतीजतन कातिल को कोई सजा ही नहीं होगी। तो ये नहायत शरंगेजी की बात है और इसकी वजह से दुनिया में कत्ल और आम हो जाएगा। पहले तो कत्ल साबित ही नहीं हो पा रहा है, कातिल इत्मीनान से कत्ल कर रहा है, गवाही देने वाले मुकर जा रहे हैं, कौन जान जोखिम में डालेगा कि फला ने कत्ल किया, फला ने काम किया, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा, तो उसकी वजह से कातिल जो है स्कॉट फ्री निकल जाएगा आजादी से। अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे हैं, ईमान वालो कूनू बन जाओ अवामीना, मजबूती से खड़े होने वाले, जारी करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले, नाफिस करने वाले, लिल्लाही अल्लाह के खातिर अपने मफादात को छोड़ के। इसलिए लिल्लाही फरमाए अल्लाह के खातिर शुहदा आ गवाही देने वाले, बिलकिस्त इंसाफ की। यकीनन आपको तकलीफ होगी हक की गवाही देने में, मगर अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे हैं कि मजबूती से जम जाओ, अगर नहीं जमेंगे आप तो फिर जैसे गुजरात में वो मेरे ऐसी वो फिजा पैदा कर दी गई है कि हम या तो वोट हमको देना नहीं तो घर में बैठना, उन्होंने ये ढाक डाल दिए लोगों को के वोट हमको देना, नहीं वोट नहीं दे, और अगर इसके खिलाफ हुआ तो वो जैसे वो जो जालिमों की तरीके होते हैं ढाक डाल, तो ऐसी सूरत में गवाही देने वाले वोट भी गवाही है, वोट भी गवाही है किस्म की वो भी, अगर उसकी सुन के आपने अगर उन्होंने जैसा कहा आपने किया भी और वो कामयाब भी हो गए तो भी वो आपको कत्ल करने वाले ही है, वो छोड़ने वाले नहीं है, वो कोई पैगंबर नहीं है जो सच बोल रहे हैं, वो बावजूद आप अगर वैसा उनके उनकी जैसी ख्वाहिश है वैसा किया भी आपने तो भी आपको कत्ल करने वाले हैं। तो लिहाजा बगैर डरे के और कत्ल की धमकियों का सामना करके मुसीबतें मोल लेके वोट सही तरीके से देना जरूरी है। कूनू कव्वामीना लिल्लाही शुहदा अबिल क़िस्त, धाक की फिजा पे काम नहीं होना चाहिए, सब ऐसा करेंगे फिर हजरत हुसैन का यही तो पैगाम था ना कि जोर जर ताकत के मुकाबले में आदमी हक न छोड़े तो ये बात बनी, और सबके सब लूज हो गए, चलो भाई क्या करना अपने मुंह का हाथ लगाए, तो दुनिया में इंसाफ और अदल कायम हो ही नहीं सकेगा। तो एक तो गवाही देना है ये हक की, दूसरे इसमें वोट देना भी एक किस्म की गवाही ही है कि आदमी सही है, और इसी तरह आप एग्जामिनर हैं, नाहल को आपने पास कर दिया वो भी एक गवाही है, अगर आपने उसको पढ़ने नहीं आ रहा है और लिख दिया इसको पढ़ने आता है तो झूठी गवाही दे दी आपने, और इसी से सारे रास्ते जो है बातिल के रास्ते पूरे उसी से निकलेंगे। तो ये आयत शरीफा जामे है हर किस्म की चीज को, गवाही देना इसी तरह वोट देना
इसी तरह एग्जाम में सर्टिफिकेट देना, मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू करना लीव लेने के लिए, अलग बीमार नहीं आदमी, मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दे रहे डॉक्टर साहब, उनको बोल रहे भी उन्हों कि मेरे लीव लेना है आल्सो, वो भी इसमें शामिल। नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं लेता मैं आप। अल्लाह सुभान ताला फरमा रहे हैं वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमी, और हक की गवाही देने में किसी कौम की दुश्मनी तुमको जुर्म में न डाले, कि महज ये कि अरे वो अपने दुश्मन है उनके खिलाफ गवाही दो, नहीं, दुश्मन भी है उसकी भी ताइब में अगर जा रही है बात तो भी आप सही गवाही देना चाहिए, उसके खिलाफ में भी जा रही हो ताइब में जा रही हो, किसी कौम की दुश्मनी तुमको मुजरिम न बनाए। महज देखे के सामने वाला जो है गैर मुस्लिम है तो गलत बयान से काम ले लिया उसके खिलाफ, यही तो खूबी है इस्लाम की कि जिसकी वजह से ये दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है और फैलता चले जाएगा कयामत तक, इसी खूबी की वजह से। अगर बंदरबांट होती पहले ही तो कब के खत्म हो जाता था, कोई पूछता ही नहीं था इसको, और अभी भी लोग जो इसमें दाखिल हो रहे हैं मर रहे हैं बावजूद मुसीबतों के, मुसलमानों पर जुल्म ज्यादतियां हो रही उसके बावजूद लोग इस्लाम में दाखिल हो, ये खूबियों की वजह से। इसलिए कि इंसान जब तक सच नहीं कहेगा, सच्चाई पे नहीं आएगा, उसका जमीर मुतमईन नहीं हो। अल्लाह तआला वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमी, और किसी कौम की दुश्मनी तुमको जुर्म में न डाले, अल्लाह तआदिलू कि वो महज उनकी दुश्मनी की वजह से आप इंसाफ की बात न करें, ये नहीं होना चाहिए।